दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के चंद्रपट्टी पंचायत की बात करें तो यही उप मुखिया बनी है जिनका दृश्य आप देख रहे हैं। महत्वपूर्ण बात बता दें कि यहां पर मुखिया ललिता देवी के साथ साथ उप मुखिया या फिर उप सरपंच हो, सरपंच हो, सभी लोगों का इंटरव्यू सुनाएंगे और सभी लोगों को आप देख सकते हैं। यही है ललिता देवी जो मुखिया है बीच में और ये जो है ये उप मुखिया बनी है। सभी लोगों का दृश्य देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा सभी लोगों तक, जिससे कि सभी लोगों तक ये खबर पहुंच पाए या फिर वो देश हो विदेश हो सभी लोगों को ये रहता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कैसे हैं, कौन है, उन वो कैसे दिखते हैं। तो यही वो जनप्रतिनिधि है जो चंद्रपट्टी पंचायत का 5 साल तक सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे। देखिए इंटरव्यू, सब्सक्राइब करिए। पंचायत की शुभकामना देते हैं सर पे जी, और जो भी विकास होगा गांव में ऐसा करेंगे। ये बताएं कि जनता जो आपको जिताई है, जो जनता आपको मत की है, उसको क्या कैसे धन्यवाद करना चाहते हैं? धन्यवाद देना चाहते हैं जनता को? दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। नया साल आने वाला है, क्या शुभकामना देंगे सभी लोगों को, पंचायत वासियों को? नया साल सभी लोगों का, नया साल बीते, पंचायत वासियों को शुभकामना देंगे नए साल का। क्या नाम है आपका पूरा? सप्तावारा। क्या है आप? उपमुखिया। कौन से पंचायत के? चंदनपट्टी पंचायत। जीत करके आज शपथ लिया आप लोगों ने, क्या शपथ लिए हैं? मैं ग्राम राज चंदनपट्टी पंचायत के मुखिया ललिता देवी हूँ, और बहुत बहुत मीडिया भाई, वीडियो साहब, डीएम साहब, सीओ साहब, जितने हमको प्रतिनिधि हैं वार्ड मेंबर सब, हम मैं अच्छा काम करूँगी। सभी पंचायत वासियों की शुभकामना, साल की शुभकामना। नया साल आ रहा है, क्या शुभकामना? नया साल आ रहा है, मैं उनको शुभकामना दूंगी। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। कहाँ के मुखिया हैं? ग्राम चंदनपट्टी पंचायत के मुखिया हूँ, ललिता देवी। उप मुखिया आपके जो पंचायत के बने हैं निर्विरोध बने हैं या? जी निर्विरोध बने हैं। निर्विरोध बने हैं, खुशी है आपको? मुखिया जी के सहयोग से, मुझे सहयोग से बने। ठीक, गांव के समाज के लोग मुखिया में नंबर है, मुखिया में बहुत आशीर्वाद दिया, इसी तरह नेता का कुछ भी नहीं करना है, जनता आपको 11 वोट दे देगा। आप जोर से पढ़िए मनीष, देख यही सब मिलेगा, खाली बजाइए, खाली खाली हल्ला नहीं, इधर देखिए ना। हाँ मैंने इधर ना मस्कुल इधर आइए, चलिए ताली मारिए। ठीक है, ऊपर से दो कैंडिडेट तीन बैठिए, देखिए तो और है जी नहीं, नहीं इनको कोई पहनाया था अभी, अपने पंचायत के लोग से मिल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, यार चीने ला जी यार, किसी ढोली अपने पंचायत के आदमी इधर हाथ दे दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, पहले 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 अच्छा।
चंदनपट्टी पंचायत में मुखिया के द्वारा सर्वसम्मति से उप मुखिया निर्विरोध हम लोग सब वार्ड सदस्य के सहयोग से घोषित किया गया है। सप्ताहारा को निर्वाचित किए हैं। हम लोग का आश्वासन है कि सभी वार्ड मेंबर एक साथ रह के पंचायत को अच्छा से अच्छा विकास करेंगे, कोई विरोध नहीं, आगे की राजनीति अच्छे से भी करेंगे। यहाँ पर शपथ ग्रहण जो प्रक्रिया चल रही है प्रशासन के द्वारा सही लगा है? बहुत अच्छा, बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवस्था से, बहुत ईमानदारी पुष्ट से, कहीं कोई नहीं है। कितने वार्ड के यहाँ पर वार्ड मेंबर पहुंचे? 15 वार्ड के हम लोग उपस्थित हैं। सभी लोग पहुंचे हुए हैं। क्या मैसेज देंगे पंचायत की जनता को और शुभकामना क्या देंगे नए साल का? नए साल की पूरे चंदनपट्टी पंचायत को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मीडिया प्रभारी प्रशासन को भी सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्या नाम पूरा? मेरा नाम मुर्शीद आलम। आप क्या थे? पंचायत समिति यहाँ पर क्या थे? अभी मलिया प्रस्तावक थे। कैसे क्या हुआ? करने के लिए बहुत सारी मेहनत की, हमारे साथ जो सहयोग किए समाज के और पंच द्वारा पोस्ट मिला और हम चाहेंगे ये जीतने के बाद। कितने पंच का समर्थन मिला? हमको 7 पंच का समर्थन मिला जिसमें एक हम खुद थे, 8। तो इससे पहले मतलब क्या थे आप? इससे पहले पंच में थे हम 8 वार्ड के। इससे पहले जब चुनाव था इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले हम स्टूडेंट थे और हमारे कितना तक पढ़ाई किए थे? ग्रेजुएशन बीए कंप्लीट। बीए कंप्लीट है। तो उम्र कितना होगा आपका? मेरा उम्र हो गया 28 जी। 28 साल की उम्र में उप सरपंच लोगों ने बना दिया है, कितने खुश हैं? बहुत बहुत खुशी हो रही है। और क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए और पंचायत के लोगों के लिए? सभी को हमारा बहुत ही बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, सब उन लोगों का जिन्होंने मेरा साथ दिया और उन पंच का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे समर्थन किए और हम आज इस मुकाम पर आए और जीत हमें हासिल हुई अपने पंच में उप सरपंच। आप युवा हैं, क्या करेंगे आगे पंचायत के लिए? हम युवा हैं, सबसे पहले जितनी भी आपस में नाराजगी भेदभाव झंझट झड़ा उसको चाहेंगे जल्द से जल्द खत्म करना। समाज में बैठ के कभी कोर्ट का नौबत नहीं आए, हम और हमारे सरपंच साहब जो हैं वो मिल के ये समझा करेंगे समाज में अच्छाई। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सईद इजहार हुसैन। उम्मीदवार कौन थे? आप ही थे जी? उम्मीदवार हम खुद थे। पिताजी का नाम क्या है? सईद अफजल हुसैन अफजल अली। कौन से वार्ड से आप पंच थे? 8 वार्ड। किस पंचायत से आए थे? चंदनपट्टी पंचायत। अब आगे का एजेंडा क्या रहेगा, कैसे पंचायत को संभालना है? अब जो नहीं किए हैं वो अब क्या करेंगे? नहीं करेंगे, जो काम छूटा हुआ है वार्ड में उस काम को जो है देखते हुए उस काम को आगे बढ़ाना है। और उसके बाद जो भी काम जिसको नहीं मिला है, इंदिरा आवास हो या वृद्धा पेंशन हो या प्रधान शौचालय हो, जो भी हो उसको पूरा किया जाए। लोगों का दूसरी बार आपको प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है? पहली बार हम वार्ड 13 से अच्छा जीता है। अच्छा, वार्ड 13 से जीते जी जी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली शेर। जोर से पढ़िए। वार्ड 14 के हैं। वार्ड 14।